तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज फॉर रिवीजन, आइए देखते हैं हम लोग क्या समझ पाए हैं। क्या रेडी हैं आप? सो प्यारे बच्चे, अ बैलेंस्ड डाइट कंटेन्स अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ, एक बैलेंस्ड डाइट में क्या न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए? हाँ जी। क्या रफेज होना चाहिए? हाँ जी। बैलेंस डाइट में वाटर भी होना चाहिए या ऑल ऑफ दीज? सो बैलेंस में सब चीज़ का बैलेंस होना चाहिए, तो ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट प्रिजर्व्ड बाय रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेटर में किसे रखना नहीं पड़ता है? फ्रूट्स को तो रखना पड़ता है, वेजिटेबल्स को भी रखना पड़ता है, मिल्क को भी रखना पड़ता है, तो किसे नहीं रखना पड़ता है? करेक्ट आंसर इज सॉल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज रिमूव्ड, विच ऑफ द बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज वाटर रिमूव्ड फ्रॉम द फूड, फूड से पानी निकाल दिया जाता है, फूड को ड्राई कर दिया जाता है, तो बॉटलिंग, कैनिंग, ड्राइंग या ऑल ऑफ दीज? सो करेक्ट आंसर इज ड्राइंग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स सॉल्ट एंड ऑयल आर यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव्स, सॉल्ट एंड ऑयल इन विच ऑफ द फॉलोइंग? बताओ भैया, नमक और तेल, अचार, 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 बिल्कुल सही जवाब। तो अचार को हम लोग पिकल्स कहते हैं। द फूड वी ईट डेली इज आवर डाइट या बैलेंस्ड डाइट? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो हम लोग डेली खाते हैं वो तो हमारा डाइट है, और हमें खाना क्या चाहिए? हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हम खा रहे हैं वो बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। सो द डेली फूड विच वी ईट इज कॉल्ड डाइट। वी शुड नॉट डैश फूड, वी शुड नॉट टेस्ट फूड। अरे भैया, फूड तो टेस्ट करके खाना चाहिए, तो वी शुड नॉट वेस्ट फूड। अ रेफ्रिजरेटर कीप्स फूड कूल एट अ लो टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर लो रहता है। डैश एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव इन जैम एंड जलीज, जैम एंड जली मीठा होता है या नमकीन होता है? मीठा होता है, तो शुगर। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, ये सब रिविजन्स की बात है, सिर्फ रिविजन करना है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है फिर से बताइए? सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स किस में पाया जाता है? फूड में पाया जाता है। न्यूट्रिएंट्स किसको चाहिए? बॉडी को चाहिए। क्यों चाहिए? एनर्जी के लिए चाहिए। क्या सिर्फ एनर्जी के लिए चाहिए? नहीं नहीं, गुड हेल्थ भी मिलता है न्यूट्रिएंट्स से, और प्रॉपर ग्रोथ भी होता है। रफेज क्या है? रफेज इज फाइबर्स प्रेजेंट इन द फूड। प्रिजर्वेटिव्स क्या है? सब्सटेंसेस दैट आर एडेड टू प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड। कुछ कुछ सब्सटेंस ऐड होते हैं, जैसे शुगर जेली में, सॉल्ट एंड ऑयल अचार में, तो इसे प्रिजर्वेटिव कहते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेटिव से क्या होता है? फूड स्पॉइल नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर आप अच्छे से समझ चुके हो। अब ये सब क्वेश्चन आप लोग मेरे ख्याल से आराम से आंसर कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो आज क्या हम एक नया टॉपिक शुरू करें? आइए नया चैप्टर शुरू करते हैं। नया चैप्टर का नाम है द टीथ। थीम इज ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का द टीथ। ठीक है, इंसानों का टीथ, द टीथ। कितने दांत हैं आपके पास? सर अभी हम गिने नहीं, कोई बात नहीं, काउंट करते हैं आज। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश हेल्प टू बाइट एंड च्यू फूड, और वेरी इजी है सर, ये तो टीथ होगा। टीथ आर डैश इन कलर, सर ये वाइट होगा, अरे वाह। वी शुड डैश आवर टीथ डेली, अरे सर हमें पता है, वी शुड ब्रश आवर टीथ डेली। ओ माई गॉड, आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हो। सो ये पहला पिक्चर से अपने को मिल रहा है, टीथ हेल्प टू बाइट, टीथ आर वाइट एंड वी नीड टू ब्रश डेली। चलिए ठीक है,
टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। क्या आपको लगता है टीथ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है? हाँ, अगर टीथ नहीं होगा तो हम लोग खाना कैसे खाएंगे, एप्पल को कैसे बाइट करेंगे? वेरी गुड। क्या टीथ सिर्फ खाने के लिए होता है, क्या और भी कुछ होता है? अरे और भी बहुत कुछ होता है। जब आपका दांत टूट जाता है तो आप लोग को शर्म आता है ना, आपके दोस्त हंसी उड़ाते, अरे देखो देखो चूहा ले गया, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है। सो टीथ से क्या होता है, दे गिव शेप टू आवर फेस। हमारा चेहरा बहुत सुंदर लगता है। ये देखो इस बच्चे की स्माइल कितनी अच्छी है। ठीक है, अगर टीथ अच्छा है तो चेहरा भी अच्छा लगता है। टीथ दे हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू द फूड। ठीक है जी, और एक बात बहुत बच्चों को नहीं पता है, टीथ से दे हेल्प अस स्पीक क्लियरली। सर टीथ से स्पीकिंग तो टंग से करते हैं, आवाज़ से करते हैं, तो टीथ का क्या रोल है इसमें? देखो आवाज़ जो हम लोग बोलते हैं उसमें हवा है। ये दांतों का जो स्ट्रक्चर है वो अगर गैप हो जाए ना बहुत, तो वो हवा लीक होता है, तो उसमें भी स्पीकिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। तो टीथ जो है, टीथ भगवान जो बनाए हैं उससे स्पीच का भी फर्क पड़ता है। चलो जी, वी हैव टू सेट्स ऑफ टीथ, एक टेम्पररी टीथ और एक परमानेंट टीथ। टेम्पररी परमानेंट मतलब क्या हुआ सर? टेम्पररी का देखो कोई भी चीज़ टेम्पररी मतलब क्या होता है, जैसे मेरे बेटे को क्रिकेट का शौक है, अब वो मेरे को बोला पापा पापा मेरे को ड्यूस बैट ला के दीजिए, तो मैंने कहा भी ड्यूस बैट नहीं बेटे, भी तुम छोटे हो, तुम अभी एक काम करो कॉस्को बॉल से खेलने वाला बैट ले लो। तो नहीं नहीं पापा, नहीं नहीं हमको तो ड्यूस बैट चाहिए, हमको ड्यूस बैट चाहिए। तो मैं बोला ठीक है एक काम करो, इस बैट को एक बार के लिए रख लो, ये टेम्पररी बैट है, मैं चेंज कर दूंगा, नया बैट ला दूंगा। तो टेम्पररी का मतलब क्या था, जो हमेशा परमानेंट नहीं रहता, जो चेंज हो जाता है, चेंज, ठीक है, चेंज हो जाता है। कैसा फ्रेंडशिप करना चाहते हो आप लोग लाइफ में, टेम्पररी फ्रेंडशिप या परमानेंट फ्रेंडशिप? सर हम लोग तो परमानेंट फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। वेरी गुड। तो दांत का बात कर रहे हैं हम लोग, दोस्तों का तो नहीं। सो दांत टेम्पररी होता है, ठीक है। जब हमारा दांत टूटता है तो हमें बहुत दुख होता है, मेरा दांत टूट गया, मेरा दांत टूट गया, क्योंकि दांतों के साथ भी तो हमारा फ्रेंडशिप हो जाता है, मेरा दांत है। सो टेम्पररी टीथ के बारे में जानते हैं। वी आर ऑल बॉर्न विदाउट टीथ। जब आप छोटे से नन्हे से प्याले से बच्चे थे, जब आप पैदा हुए थे तो आपके पास दांत नहीं थे। टीथ स्टार्ट टू डेवलप फ्रॉम द एज ऑफ 6 months। तो 6 months के बाद या 6 months से, जब आप 6 महीने हो जाते हो उसके बाद से टीथ स्टार्ट टू डेवलप। ऐसा नहीं कि तुरंत एक साथ बड़ा बड़ा टीथ आ जाता है, छोटा 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 छोटा। कोई छोटा बच्चा का देखिएगा आप लोग, बाय द एज ऑफ 3। सो 6 months से टीथ आना स्टार्ट होता है और जब तक आप 3 साल के हो जाते हो, 3 years, अ चाइल्ड हैज 20 टीथ। कितना? 20। 3 साल तक आपके पास 20 टीथ। जब आप पैदा होते हो तो 0 टीथ, मतलब 3 years में कितना मंथ होता है? 36 months। बट आपका टीथ स्टार्ट होता है 6 months के बाद से, इसका मतलब है 30 मंथ में 20 टीथ। अरे वाह। दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ, दूध के दांत बोलते हैं, हिंदी फिल्मों में बोला जाता है। अभी तो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, ठीक है। और टेम्पररी टीथ, मिल्क टीथ। मिल्क टीथ क्यों बोलते हैं? बच्चा, छोटा बच्चा तो दूध पीता है, ठीक है। अब छोटा बच्चा के पास जो दांत आता है, देखो मिल्क में होता है कैल्शियम, ठीक है। अब जो भी हो, इसका नाम ही दे दिया गया है मिल्क टीथ, ठीक है, दूध के दांत, ठीक है। छोटा बच्चा सिर्फ दूध पीता है, ये जो दांत आया है सिर्फ दूध पीने से आया, 6 महीने के बाद से, दूध के दांत है भैया, ठीक है, कमज़ोर दांत है, टूट जाते हैं। बट परमानेंट टीथ जो है वो मजबूत होते हैं, वो ऐसे आसानी से नहीं टूटते हैं। तो जैसे ही बच्चों का
ये टेम्पररी दांत टूटता है तो क्या दुख मनाना चाहिए? नहीं, कोई बात नहीं, भगवान तुमको वापस से एक और परमानेंट टूट दे देगा, तो टेंशन मत लो। मगर अगर ये परमानेंट दांत टूट जाए तो क्या होगा? फिर से क्या दांत आ जाएंगे? नहीं, तो टेम्पररी दांत टूटे कोई टेंशन नहीं, परमानेंट दांत नहीं टूटने चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, आगे देखते हैं। परमानेंट टीथ, तो अपने क्या सीखे थे कि 6 मंथ से 3 इयर्स तक बताओ बताओ कितने दांत आ जाते हैं? अपने को पता है 20 टीथ आ जाते हैं, ठीक है। फ्रॉम द एज ऑफ 6, तो 3 साल के बाद बच्चा जब 6 साल का हो जाता है, अ चाइल्ड स्टार्ट्स लूजिंग द मिल्क टीथ। इसका मतलब यह है कि 3 साल से लेके 6 साल तक, लगभग 3 इयर्स, या अगर किसी बच्चे के पास सेकेंड ईयर में ही पूरे दांत आ जाते हैं, तो लगभग 3 से 4 साल तक बच्चों के पास जो दांत होते हैं, या जब तक बच्चा 6 साल का नहीं होता है, जो बच्चे के दांत होते हैं उसे मिल्क टीथ कहते हैं। पर 6 साल के बाद जब बच्चे और बड़े बच्चे होने लग जाते हैं तो उनके दूध के दांत टूटने लगते हैं, ठीक है, स्टार्ट लूजिंग द मिल्क टीथ। तो उसके बाद क्या होता है? परमानेंट टीथ आता है। एज द मिल्क टीथ फॉल, न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेस। टेम्पररी गया, परमानेंट आया। दिस न्यू सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। तो मेरे ख्याल से ये आप एकदम समझ चुके हो, ठीक है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ये आपके स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। एक चीज अगर आप लोग ध्यान से देखो तो मिल्क टीथ जो है, अगर हम लोग काउंटिंग करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हमने क्या पढ़ा था कि टोटल मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20। बट सर सर यहाँ तो सिर्फ 10 है। अरे ये फोटो में सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा दिखा रहा है या नीचे वाला हिस्सा दिखा रहा है? कोई एक हिस्सा दिखा रहा है, ठीक है, ओके। क्या लग रहा है आपको, ये अपर जॉ लग रहा है या लोअर जॉ लग रहा है? मेरे को तो अपर लग रहा है, अपर, ऊपर वाला हिस्सा। तो अगर ऊपर में 10 तो नीचे में 10, सो 10 प्लस 10, बच्चे का दांत, मिल्क का दांत 20। ये परमानेंट टीथ है, ये देखो ज्यादा है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। मतलब जब वो परमानेंट दांत आएगा तो ज्यादा आएगा, पहले जाएगा 10, 10 प्लस 6, 16, 16 प्लस 16, मतलब बड़े जब परमानेंट दांत आएंगे तो 32 आएगा। सुने, मार के 32 ही तोड़ दूंगा, ऐसा डायलॉग्स होता है हिंदी फिल्म में पुराने जमाने में, आजकल नहीं होता। मार के तेरा 32 ही तोड़ दूंगा, 32 ही, मतलब ये जो 32 टीथ है उसको मार के तोड़ देंगे, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इन टीथ को अलग अलग नाम, ठीक है, अभी तो हम लोग समझ चुके हैं 32। देखो, एन अडल्ट हैज अ सेट ऑफ 32 टीथ, अडल्ट मतलब बड़ा। देर आर 16 इन द अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ। ये जो इसे यहाँ है ना, ये नीचे, ये लोअर जॉ है मेरा, ठीक है, और ये ऊपर वाला अपर जॉ है। वंस अ परमानेंट टूथ इज लॉस्ट, अगर परमानेंट टूथ किसी ने मुक्का मारा और तुम्हारे दांत गिर गए, वैसे चिंता मत करो, बहुत मजबूत होता है, मुक्का खाने से दांत नहीं गिरेगा। नो न्यू टूथ ग्रोस इन इट्स प्लेस, नया दांत नहीं आएगा। चलो अब देखना है अपने को काइंड्स ऑफ टीथ, इन दांतों का अलग अलग नाम रख दिया गया है, ठीक है, दांतों का नाम, काइंड्स ऑफ टीथ। देर आर 4 काइंड्स ऑफ टीथ,
इंसिसर्स। अब देखो ये सब नाम बड़ा अजीब लगता है ना, बट क्या करोगे, आप लोगों को याद करना पड़ता है, छोटे बच्चे हो, क्लास 4 के बच्चे हो, याद करना पड़ता है, गंदा लगता है, गुस्सा आता है। कोई बात नहीं, अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो जाए तो 2-3 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लेना एकदम भी। इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। प्री कोई भी चीज, प्री मतलब क्या होता है, पहले, तो मोलर से पहले प्री मोलर, ठीक है, मोलर से पहले प्री मोलर। तो इंसिसर्स, सुना आपने कभी भी, सीजर बोलते हैं ना हम लोग, सीजर, कैची को क्या बोलते हैं, सीजर लेना, सीजर, तो देखो ये वैसे ही मिलता जुलता, इन सीजर्स, इन सीजर्स। कैची का काम क्या होता है, काटना, तो इसका भी काम है काटना, कटिंग टीथ, किसी भी खाने को काट देता है ये इन सीजर्स। तो ये जितने भी आगे के जो दांत हैं हमारे, ठीक है, जब भी आप एप्पल लेके बाइट करोगे तो पहला ये आगे का जो दांत है यही आता है, तो 1 2 3 4, ठीक है, ये आगे के चार दांतों को हम लोग कहते हैं इन सीजर्स। तो आप भी मिरर में जाके देखिए आपका कौन सा चार दांत है, ठीक है, द फोर फ्रंट टीथ इन ईच जॉ आर इन सीजर्स। अच्छा एक बात बताओ, जब ये इनका काम है कटिंग, तो कोई भी चीज जो काटेगा वो शार्प होना चाहिए, लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, इंटेलिजेंस लगाओ, काटने का अगर कुछ भी काम करना है तो धार होना जरूरी है। सो दे हैव शार्प स्ट्रेट एजेस, ठीक है, शार्प मतलब एकदम धार, स्ट्रेट एजेस, दे आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। तो इंसेसर्स का क्या काम है, कटिंग एंड बाइटिंग फूड, तो बहुत इजी है। चलो जी आगे में नेक्स्ट है कैनाइन्स, कैनाइन्स। अगर आप टाइगर को देखोगे ना, तो टाइगर का जो कैनाइन है एकदम निकला हुआ रहता है, शार्प। जितने भी मीट ईटर्स होते हैं ना, जो एनिमल्स जो होते हैं, उनके कैनाइन्स बड़े मजबूत होते हैं। कैनाइन्स मतलब एकदम टेयर करना, जब भी आपको कोई किसी चीज को कुछ टेयर करना होता है ना, तो यहां से करते हो, ठीक है, तो ये कैनाइन होता है यहां पर, टेयरिंग टीथ। सो कैनाइन कहां पर है इस इमेज में, कैनाइन कहाँ है, आइए आइए देखते हैं। इंसिसर्स कहाँ पर है, वो अपने देख चुके हैं, समझ भी चुके हैं, ये, ठीक है। सो टोटल इंसिसर्स होते हैं 4, कैनाइन होते हैं 2, ठीक है, ये कैनाइन है, ये और ये, ठीक है। सो ये कैनाइन है, ठीक है। सो कैनाइन का काम क्या होता है, देयर आर टू कैनाइन्स इन ईच जॉ। टू कैनाइन्स मतलब टोटल कैनाइन कितना हो गया, 2+2, लोअर जॉ अपर जॉ, दे आर प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ द इंसिसर्स। इंसिसर के एक एक साइड में रहता है, ठीक है। तो ये चारों जो है, ये अपने को पता है ये इंसिसर है, तो इंसिसर के एक साइड में ये कैनाइन, दूसरा साइड में ये कैनाइन, ठीक है। दे आर वेरी शार्प एंड पॉइंटेड। कोई भी चीज को टेयर करना होता है ना, तो शार्प होना जरूरी है, पॉइंटेड होना जरूरी है। दे हेल्प टू टेयर द फूड, टेयर मतलब एकदम तोड़ देता है खाना को। बाइट करना अलग चीज है, टेयर करना अलग चीज है, ठीक है। सो ये तो था बात कैनाइन का, ध्यान से देखिए, ये जो इंसिसर है ये एकदम स्ट्रेट है, और ये कैनाइन जो है ये देखो पॉइंटेड है, देख रहे हो दोस्तों, ये स्ट्रेट, ये पॉइंटेड है। तो अगर आपको कोई ड्राइंग बना के पूछा जाए कि
कि बोलो बोलो तो ये क्या है, तो ये दांत क्या है, यह इनसिसर। ये पॉइंटेड वाला दांत क्या है, यह कैनाइन। ठीक है, तो इससे अपने को पता भी चल जाता है। देखो रटने का कोई दरकार नहीं, याद करने का कोई दरकार नहीं, सिर्फ देखो। शार्प एंड स्ट्रेट एजेस, शार्प एंड स्ट्रेट, ये जो अपने ड्राइंग अपने सामने है, ये दांत जो है ये शार्प एंड स्ट्रेट है, जैसे ये पॉइंटेड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपने देखते हैं प्री मोलर्स। प्री मोलर्स, तो ये अगर ड्राइंग में आ जाओ तो कहाँ है प्री मोलर्स, ये दोनों प्री मोलर्स, इनको ग्रीन कलर करते हैं। चलो प्री मोलर्स, ये एक प्रीमोलर इधर, ये इधर, फिर एक और इधर। सो ये है प्रीमोलर्स। तो टोटल प्रीमोलर्स कितना है, चार प्रीमोलर है अपने पास एक एक जॉ में। तो प्री मोलर का काम क्या है, देर आर फोर प्री मोलर्स इन ईच जॉ, दे आर नेक्स्ट टू द कैनाइन्स, कैनाइन्स के बगल में होता है, दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट, ब्रॉड एंड फ्लैट, दे हेल्प टू क्रैक द फूड। ठीक है, सो प्री मोलर्स जो है ब्रॉड होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है, ठीक है, एंड फ्लैट होता है। सो प्री मोलर्स का काम है क्रैक द फूड। अब मोलर्स का क्या काम है, मोलर्स का काम है ग्राइंडिंग टीथ, जब बहुत चबाना पड़ता ना उं, 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 ऐसे करके, तो ये वाला दांत अपना ऊपर नीचे जो मोलर्स है उसमें फूड एकदम च्यू होता है। ठीक है, देर आर सिक्स मोलर्स इन ईच जॉ, दे आर नेक्स्ट टू द प्री मोलर्स, दे आर ब्रॉडर देन प्री मोलर्स, तो प्री मोलर से भी ज़्यादा चौड़ा होता है, एंड दे हेल्प टू ग्राइंड द फूड। ठीक है, ये देख लो, अगर अपने देखेंगे ड्राइंग में तो यहाँ एकदम क्लियर दिख रहा है कि ये और भी चौड़ा है, ब्रॉड है, इसका कौन सा बड़ा है साइज, दिस इज बिगर। सो मोलर्स जो है दे आर बिगर देन द प्री मोलर्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो मोलर्स ग्राइंड करता है, दे हेल्प टू ग्राइंड द फूड, प्री मोलर्स क्या करते हैं क्रैक द फूड। कट द फूड, टेयर द फूड, ठीक है, बाइट द फूड। तो अगर मैं आपसे पूछूं बाइट द फूड, कट द फूड, तो क्या बोलोगे, इनसिसर्स, टेयर द फूड, कैनाइंस, ठीक है, क्रैक द फूड, क्रैक द फूड, प्री मोलर्स, ग्राइंड द फूड, मोलर्स। ठीक है, तो ये एकदम याद हो जाना चाहिए आपको। स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, ये जो दांत जो दिख रहा है अंदर से, देखो इसका ड्राइंग देखो पहले, आप ड्राइंग में सबको सीख जाएंगे। ये जो गम्स होता है ना, रेड कलर का अपना गम्स होता है, रेड कलर का गम्स है, ये गम के ऊपर का जो हिस्सा है इसे हम लोग कहते हैं क्राउन। क्या कहते हैं, क्राउन। ठीक है, अब क्राउन के अंदर में इस हिस्से को कहते हैं, ये देखो इसे कहते हैं एनेमल, उसके नीचे वाले हिस्से को कहते हैं डेंटाइन। देखो अभी आप लोग क्लास फोर में हो, धीरे 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 ये जब आप लोग हायर क्लास में जाओगे तो भी यही पढ़ना है आपको, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लो। ठीक है, बस दांत का जो ड्राइंग है वो देख लो, ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं एनेमल, उसके नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं डेंटाइन। ठीक है, ये और मजबूत होता है, जैसे फेविकॉल होता है घर पर, डेंड्राइट होता है जिससे मजबूती से चिपक जाए कोई भी चीज़, सो डेंटाइन और मजबूत होता है। डेंटाइन के नीचे ये देखो पल्प बोलते हैं, पल्प,
पल्प जैसे फ्रूट्स जब हम लोग खाते हैं ना, तो फ्रूट के अंदर का हिस्सा जैसे सॉफ्ट होता है तो उसे भी पल्प कहते हैं। तो ये अब पल्प का मतलब ये है कि ये मजबूत नहीं है, जितना मजबूत एनामल और डेंटाइन होता है, पल्प का मतलब है कि वो उतना मजबूत नहीं है। पल्प के इधर में जो है ये गम है और नर्व्स होते हैं। नर्व्स, ये हमारे पूरे बॉडी इज मेड अप ऑफ नर्व्स, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नर्व्स का मतलब क्या होता है, एक जैसे टेलीफोन में तार होता है, आजकल तो मोबाइल में तार नहीं, तो घर पे अगर लैंडलाइन है तो तार होते हैं, तार वायर्स। तो ये वायर जो होता है ये ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। तो दांत में भी दर्द होगा तो ये सब कनेक्टेड है, हमारा पूरा बॉडी कनेक्टेड है। सो ऊपर वाले हिस्से को क्राउन कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को रूट कहते हैं। तो ये पूरा हिस्सा जो है दोस्तों ये रूट है।